तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारी कुछ तैयारी वैयारी चल रही है, तो भाई आज का ब्लॉग जो है ना ये बीच का कंटिन्यू रह गया था क्लिप, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को इसको शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ अनु इकरा जो है मेरा सामान दिखा रही थी कि मैं जो हूँ बाज़ार से क्या क्या परचेज़ करके आई हूँ। अच्छा, तो भाई मसला ये है कि मैंने सारे सामान की वीडियो तो नहीं बना सकी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सामान की वीडियो बनाती तो फिर बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप शो ऑफ बहुत करती हैं और आप ना हर चीज़ को शो ऑफ करती हैं। तो भाई फ़िलहाल इस वजह से मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत ही जो उसकी मैं वीडियो बना सकती थी वो मैंने बता दी। तो फिलहाल यहाँ मैं लाई थी अपने लिए बेस स्टिक, जो कि हर लेडीज़ को ज़ाहिर आप लोगों को पता है मेकअप का तो बहुत ही शौक होता है और मुझे भी मेकअप का बहुत शौक है। तो यहाँ मैं लाई हूँ स्टिक, फाउंडेशन स्टिक कह लें इसको, मेकअप स्टिक कह लें, जो फेस पे अप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो ये मैंने ली थी और ये कौन सी कंपनी की अब आपको खुद ही पता चल गया होगा ज़्यादा वीडियो में। अच्छा, वह पीछे की शूट को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं जो हूँ अभी हूँ करा आउट ऑफ सिटी और पीछे जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी लोगों की बातें चीज़ें चल रही हैं, तो मैं जो हूँ वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। यहाँ मैं सेकंड प्रोडक्ट लाई थी और सेकंड प्रोडक्ट मेरा क्या था, तो वो इकरा ओपन कर रही है। खोले भाई, अब ये आप यूज करें ना तो पता। ये फेस पाउडर है भाई, ये फेस पाउडर है, ये अभी मैं लगाऊंगा ऐसे करके। आय अल्लाह, बस बस बस, मेहरबानी आपकी। अच्छा, ये आपने शॉपिंग कराई है अभी मुझे और पैसे खर्च करा दिए उन्होंने। अच्छा, और जल्दी से तीसरा प्रोडक्ट दिखाएं, तीसरा जल्दी से। ये है, ये लिया है मस्कारा, आइए। ये मस्कारा लिया है। हाँ, ये कहाँ लगाते हैं? ये मस्कारा है। मस्कारा नहीं, अरे कैसे लगा दो। हाँ, मस्कारा है, ये लगाते हैं। अब आप क्या बोलूँ मैं, मेरे अच्छा भाई, अब ये दिखाएंगी क्या? ये है ग्लिटर। ओके, अइकरा आप दिखाएं आप क्या लाएंगे। मैं लाई हूँ बोस का परफ्यूम। बोस का परफ्यूम लाई है ये, परफ्यूम और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत जबरदस्त है, आप लोग भी जरूर यूज कीजिएगा। ये देखिए कैसी है, कैसी है? चले, चले, मेरा लाइट लाइट आ गई, लाइट आ गई। ये कैसे हाँ जी, लाइट खोलिएगा। अच्छा, मम्मा ने छोटी, तो भाई अब देखें कि वाओ लाइटिंग में, क्योंकि लाइटिंग में तो अच्छा, मजा ही कुछ और है। मैंने छोटा ही लिया है क्योंकि मम्मा को ज्यादा। ये शुक्र है कि मेरा मेरा जो मेन प्रोडक्ट है ना उसमें आप लोगों को लाइटिंग में अच्छा सा नजर आएगा। कि ये मैंने शिमरी आई शेडो लेना था मुझे, जो आईज के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये तो, भी देख लें आप मुझे लाइट में। ये देखें कि ये कलर्स मैंने लिए हैं और अभी मुझे और लूँगी, लेकिन वो मैं आउट ऑफ सिटी जहाँ जा रही हूँ ना फिर मैं वहाँ से लूँगी। अभी ये फिलहाल मैंने सिर्फ वक्त गुजारने के लिए, मेरे हस्बैंड ने दिलाए, ये वक्त गुजारने के लिए लिया है मैंने। पागल हो गए हैं, कैमरा चल रहा है नेचुरल। ये इतने पैसे खर्च कर दिए और ये भाई क्लींजिंग ली है और अभी भी पेट नहीं भरा। टाटा बाय बाय। हाँ, तो ये हमारे बॉस है, ये हमारे बॉस है, ये देखें ये हमारे बॉस है, दिस इज आवर माय बॉस, इनके लिए मैं आई हूं। ये मैंने पहली शॉपिंग करी है अपने शादी के लिए, बॉस का परफ्यूम है बस। तो ये हमारे बॉस है ना, इसलिए हम इसको बॉस का परफ्यूम देते हैं। बस यहाँ जो है ना यही सब कुछ चल रहा है। अच्छा भाई, पैकिंग हो चुकी है, सुबह कितने बजे निकलना है जल्दी से बता दें। सुबह वीडियो का एंड, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम भी आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब के बटन को आज तो तोड़ दो बल्कि ठोक दो। क्या करोगे कि लाइक के बटन को भी तोड़ दो और सब्सक्राइब के भी बटन को ठोक दो। इकरा जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें और बटन तोड़ दें दोनों। तो अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी का है मेरे लिए, इकरा के लिए, सबके लिए खुशी का दिन है। क्या दिन है, क्या दिन है, क्या दिन है? खुशी का दिन ये है कि हम लोग जा रहे हैं आज आउट ऑफ सिटी, और आउट ऑफ सिटी हम लोग जा रहे हैं अपने कज़न्स के साथ, और हल्ला गुल्ला होगा हर टाइम। तो अभी बज रहे हैं 10:30, सुबह के 11:30 हमारी कार आ जाएगी घर पर, फिर हम बैठ के इंशाल्लाह 2 घंटे में कराची पहुंच जाएंगे।
सो गाइस अब मैं हो गई हूँ रेडी तैयार। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी। और आज है संडे का दिन, आज बहुत खुशी का दिन है। मुझे तो पूरी रात जो है वो नींद भी नहीं आई है, लेकिन अभी भी मेरी आंखों में इतनी सी भी नींद नहीं है। और इस बार हम लोग आउट ऑफ सिटी कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं अपने कज़न के साथ। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और 11:30 बजे हमारी कार यहाँ आ जाएगी घर पर, और फिर हम लोग बैठ के उसमें चले जाएंगे। और इंशाल्लाह 2 से 2.5 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह वजल, और फिर आप लोगों को कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी बस कज़न्स का वेट हो रहा है, मेरी उनसे बात भी हो रही है, वो लोग भी रेडी हो रहे हैं, हम भी रेडी हो रहे हैं। तो बस तब चलते हैं, आप लोग हमारे साथ चलें। बच्चे तो है ना ऐसे पागल हुए हैं, जैसे कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम जो है ना हम लोग आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। जैसे इससे पहले तो हम कभी गए नहीं आउट ऑफ सिटी बस। लेकिन ये ना कि कज़न्स के साथ जो मिलके जो एक ग्रुप बनता है ना, और उसके साथ जब इंजॉय करते हैं सफ़र में, जब ज़्यादा मज़ा आता है, तो बच्चे इस वजह से ज़्यादा एक्साइटेड है। और अब बस गाड़ी आ चुकी है तो अब हम लोग जा रहे हैं। बाकी रास्ते का सफ़र भी कोशिश करूँगी जितनी हो सके वीडियोज़ बना सकूँगी उतनी बना सकती, जितनी बन सकती है उतनी बना सकूँगी। जहाँ कैमरा स्टार्ट होता है ना वहीं मेरी स्लिप ऑफ टंग होने लगती है। ठीक है, तो फिलहाल फिर कनेक्ट रहिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। फाइनली गाड़ी आ रही है हमारी बिल्कुल 5 मिनट में, और ये हमारा जो चीज़ों का पिटारा जा रहा है सब कज़न्स का। सही, हम लोग कल ही आए थे पप्पा और मैं जाके, और ये हम सारे कज़न जाएंगे खाते हुए। और अभी मैं आपको ज़रा बैगों की बारात दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम के लिए जा रहे हैं इस बार, और कहीं इम्पोर्टेंट भी है शादी, तो काफ़ी दिन लगेंगे हमें। तो दिखाती हूँ मैं आपको सामान। देखें ये कुछ सामान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारा जा रहा है हमारे साथ। रेडी गो गो चले भाई। तो यहाँ जैसा कि आप लोगों ने देखा कि माशाल्लाह से सामान की पैकिंग वैकिंग हो चुकी थी, और अब हम लोग बस निकल ही रहे थे, तो बस थोड़ी ही देर में गाड़ी आने वाली थी जिसका इंतजार बस हम लोगों को ही था। और यहाँ हम लोग निकल गए अपने सफ़र के लिए। तो भाई आप लोग जो है आगे की वीडियो इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो फुल वॉच करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? और अल्लाह पाक अल्लाह का शुक्र एहसान है मेरे मालिक का, मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम मज़े में हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ और फिट फाट हूँ। और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी हमेशा खुश और फोटो अपने के बुरी घड़ी बुरे लोगों की निगाहों से हासिदों के हसद से हमेशा महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ अच्छी लगी है तो कॉमेंट में आमीन ज़रूर कहिएगा। तो भाई यहाँ मैं और मेरे लवली हस्बैंड विथ फैमिली अपने जा रहे थे आउट ऑफ सिटी। आउट ऑफ सिटी कहाँ जा रहे हैं भाई? आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं। तो कराची क्यों जा रहे हैं भाई? मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि मेरी नन क्या शादी है माशाल्लाह से उनकी बेटी की, तो भाई हम लोग जा रहे हैं उसमें शिरकत करने के लिए। और बच्चों की एक्साइटमेंट तो आप लोगों ने पहले ही देख ली होगी। तो माशाल्लाह से बस बातें करते करते इंजॉय करते करते आ गए थे हम लोग टूल प्लाजा पे और गेट पे। तो भाई यहाँ का आज का सफ़र तो हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा है, और बातें चीतें और बच्चों ने इतना इंजॉय करा माशाल्लाह से। अच्छा माशाल्लाह से मेरी मुझे बच्चों की आदत है कि मैं हर तरह के लोगों के साथ यानी कि बच्चों के साथ, मैं बच्चों के साथ भी इंजॉय करती हूँ, बड़े लोगों के साथ भी इंजॉय करती हूँ, और जो मुझसे काफ़ी बड़े हैं यानी कि एजड लोग होते हैं, मैं उनके साथ, उनकी कंपनी भी मेरे साथ बहुत अच्छी रहती है। तो माशाल्लाह से ऐसी कोई बात नहीं है। तो रास्ते में बस खाते पीते इंजॉय करते और गुजर गए थे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अनुषा ने आपको दिखाया था कि चीज़ों का पिटारा, ये माशाल्लाह से निम्को जिमको सब लेकर आई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो वो हम लोग खाते हुए और बातें करते हुए इंजॉय करते हुए जा रहे थे, और म्यूज़िक भी गाड़ी में चल रहा था। तो माशाल्लाह से आज का सफ़र तो हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा, और मुझे बहुत स्लोली आवाज़ में जो है आज वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, क्योंकि माशाल्लाह से मेहमान काफ़ी सारे भरे हुए हैं हमारे घर में, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऐसा तो चलता नहीं है, ज़िंदगी का हिस्सा है। तो माशाल्लाह से बातें करते करते आ गए थे हम लोग कराची। और ये सारी वीडियोस जो है ना मेरे
देवर ने बनाई थी, फ्रंट यानी कि वो आगे बैठे हुए थे फ्रंट सीट पे, तो उन्होंने माशाल्लाह से ये सारी वीडियोस मुझे बना के सेंड करी, क्योंकि उनको पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो माशाल्लाह से सारी वीडियोस वही बना के दे रहे थे, क्योंकि मैं अगर बैठता है पीछे बैठी हुई मैंने फ्रंट सीट पर, तो अगर मैं आगे से तो माशाल्लाह से उन्होंने सेंड कर दी, तो मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि वो भी मेरे ब्लॉग सीखते हैं, लाइक करते हैं, कभी कभार कमेंट्स भी कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो थोड़ी बहुत भी, तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, बिना सब्सक्राइब किए आप लोग देख रहे हैं कितनी बुरी बात है, इट्स नॉट फेयर। तो भाई ऐसा तो मत करें ना, देखें हमें भी इससे जो है ना मोटिवेशन होती है, हमें भी हौसला अफजाई होती है कि अगर आप लोग एक सब्सक्राइब और एक लाइक करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोग वीडियोज़ देख ही रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, बस एक सेकंड ही लगता है लाइक करने में। और माशाल्लाह से ग्रीनरी जो है ना रास्ते में बहुत अच्छी हुई थी, और इस वक्त मैं थी 2 बज रहे थे, क्योंकि हमें 4-5 बजे तक वहीं पहुँचना था नदी घर में। तो बस हमारा तो आज का सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, आई होप कि आप लोगों ने भी हमारे सफ़र को इन्जॉय किया होगा, बहुत से लोग इस गाड़ी में आप लोगों ने ऐसी है कि वो लोग कह रही है कैमरे में नहीं आते, तो वरना मैं आपको दिखाती कि इस वक्त हमारी गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह से भाई जो लोग मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत बातें पेश करते हैं लोगों को कि मेरी मेरे ससुराल वालों से नहीं बनती, तो भाई देख लें मेरी मेरे ससुराल वालों से माशाल्लाह से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और अभी इस वक्त मेरी गाड़ी में 2 नन्हे और 1 देवर और नंद की पूरी फैमिली माशाल्लाह से, और मेरी पूरी फैमिली अभी इस गाड़ी में मौजूद है। और बाकी बातों हम लोग पहुँच गए थे अपनी नंद के घर पे, और यहाँ पे बना हुआ था यम्मी सा खाना, और खाने पे बहुत ही मज़े की उन्होंने नहारी बनाई हुई थी जो कि बहुत ही मज़े की थी, और हमें भूख भी बहुत शदीद लग रही थी, हालांकि हम लोग खाते पीते आए थे लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत शदीद भूख लग रही थी। तो फिलहाल मैं साथ ही खाना खाया और खाना खा के फिर लग गए तैयारी हो गए। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और अभी तो आ जाए मैं चीज़ें को भी हमारे साथ अम्मी से निहारी खानी है। और यहाँ पर मैं बैठी हुई अपना सामान वामान निकाल रही थी, ज्वेलरी व्यूलरी निकाल रही थी, तो सोचा छोटा सा क्लिप बना लूँ जिसमें किसी का भी चेहरा ना आ सके। तो देखे मैंने बड़ी एहतियात से वीडियो बनाई है जिसपे मेरे लवली हस्बैंड मोबाइल चला रहा है और मैंने किसी का भी चेहरा नहीं लिया। तो बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि भाई हमारा फेस ना आए, तो देखे भाई किसी का भी फेस नहीं आया। और यहाँ मेरी माशाल्लाह से तीनों नंदे बैठी हुई थी। तो बस फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, तो फिर अल्लाह हाफिज़। और यहाँ माशाल्लाह से माइयों का सेटिंग बहुत अच्छी सी लगाई हुई थी जो हमें बहुत अच्छी लग रही थी, तो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा कि अल्लाह पाक बच्चे के नसीब अच्छे करें। अभी